अभी हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए, और यहाँ का अनुभव कैसा रहा मैं चाय नाश्ता करने के बाद आपको बताऊंगी। तो हम तीनों जो है तैयार होके निकल गए थे रूम से बाहर, और अभी के अभी हमें यहाँ से चेकआउट भी करना था होटल में से। और ये हम तैयार होके बाहर निकल गए हैं और दूसरे लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं, और हमारे बैग्स और वो सब हमने रेडी करके ऑलरेडी गाड़ी में जो है रख दिया था सब कुछ। चाइना यहाँ पे टोपी निकाल दी थी तो उसके बाल खड़े खड़े लग रहे हैं। चलो चलो आगड़ आगड़। यस यस, चलो 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 चलो, वेरी गुड। यहाँ जाइए, इकड़े इकड़े इकड़े। तो ये है जहाँ पे खाने का और वो सब का अरेंजमेंट हुआ था, उसका मेन गेट। कल रात जो हम गए थे वो सब प्रोग्राम वो सब देखने के बाद वहीं पे अंदर से ही खाना खाने के लिए चले गए थे, और ये है मेन गेट। और यहाँ पे जो है आज नाश्ते में मिला था हमें, यहाँ पे ही हमने डिनर किया था रात को। यहाँ की जो है थोड़ी सर्विस की जो बहुत स्लोली सर्विस थी, कुछ भी मज़ा नहीं आया था हमें खाने में, और वो सब बहुत भीड़ हो गई थी और वो सब। तो यहाँ पे नाश्ते में अभी चाय थी, पूड़ी और छोले की सब्जी, और जो है पोहे थे, बस इतना ही था नाश्ते में। और वो सब हम नाश्ता और वो सब करने के बाद जो है फिर से हम आज बहुत अच्छी सी हमारी घूमने की जगह हम जाएंगे, बहुत अच्छी, आप जरूर देखेगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पे हमने भरपेट नाश्ता कर दिया था, 9 से 9:30 बजे होंगे हमारे यहाँ पे सुबह में, और अभी हम खाना मतलब नाश्ता करने के बाद यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं थार गाड़ी में बैठ के डेजर्ट सफारी करने के लिए। और ये है हमारे ड्राइवर आज के, ये थार गाड़ी के, और इसी में हम 9-10 लोग जो जितने भी हैं उतने हम इसके अंदर ही जाएंगे। और ये देखो बहुत सनराइज है जो काफ़ी मतलब तेज धूप, और एक साइड जो है एकदम तेज धूप हो रही थी और दूसरी साइड जो है थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे मैं और जैनम बैठने वाले हैं इधर। तो यहाँ पे इस रिसॉर्ट में हमारा अनुभव थोड़ा 50-50 टाइप का रहा, क्योंकि आते ही जो है झगड़ा हो गया, फिर जो है रात को भी खाने का बैठने का कुछ भी अच्छा इंतजाम बिल्कुल भी नहीं था हमारा इस डिज़र्ट सफारी में, तो 50-50 रहा। लेकिन हमारा मूड जब तब टर्न आउट हुआ जब हम यहाँ से निकलेंगे और एक अच्छी सी प्लेस पे जाएंगे। पड़ी ना जो भाई जो
इतनी स्पीड से हमारी जो है गाड़ी जा रही थी और हमें इतना मज़ा आ रहा था, हम इतने चिल्ला रहे थे क्योंकि ये सब अनुभव हमारे लिए फर्स्ट टाइम था। हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था कि इस टाइप का जो है गाड़ी जो है रन में ऐसे चलती है, ऐसा कुछ होता है। ये सब हमारा गाइस फर्स्ट टाइम जो है ये एक्सपीरियंस था हमारा, लेकिन बहुत ही बढ़िया। हमारा जो मूड आउट हुआ था वो सब जो है मूड आउट जो है हमारा चला गया यहाँ पे पहुँचने के बाद। यहाँ पे हमें इतना अच्छा लगा कि हम सब वो सब जो होटल की खामियाँ और वो सब थी वो हम सब भूल गए और बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। आई होप कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। यहाँ से जो है देखो पूरा रण प्रदेश जो है स्टार्ट हो गया है और ऊँट और वो सब की जो है आप सवारी करते हुए लोगों को देख रहे होंगे। तो अभी हमें जो है हमारे प्लेस पे उतार दिया गया है। सभी की गाड़ी यहाँ पे आके ही रुकती है और ये देखो पूरे जो है ढेर सारे रेती के मतलब जो है वो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे हमें पूरा एक घंटा मिलता है आपको एंजॉय करने का। पूरा एक घंटा यहाँ पे आप फोटोशूट करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो, एंजॉय फुल ऑन एंजॉय आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मेरी जूतियों में जो है पूरी जो रेती, ये आप रेती कितनी मस्त दिख रही है ना, जैसा सोना नीचे सोना बिछाया हो उस टाइप का लग रहा था। और इतनी स्मूथ जो है ये डिज़र्ट थी कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकती। अभी बहुत एंजॉय किया हमने। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने डिजर्ट सफारी कर ली है और अभी हम करने वाले हैं कैमल सफारी। ये तो इतना मजा आया ना यहाँ पे, बहुत मजा आया। आप जरूर आना अगर नहीं आए हो तो, बहुत मजा आता है यहाँ पे। कैमल सफारी। तो यहाँ पे कैमल के ऊपर भी जो है हम फर्स्ट टाइम ही बैठे थे तो इतना मज़ा आ रहा था ना हमें। एक तो डर लग रहा था कि हम कहीं गिर ना जाए क्योंकि मैं एक हाथ से जो है वो ऊँट को पकड़ा था, फिर दूसरे हाथ से जो है मैंने फ़ोन पकड़ा था। तो मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था और ऐसे ऐसे जैसे ऊँट हिलता है वैसे वैसे जो है डर इतना लगता है ना। ये देखो ये परछाई, इतना मस्त मज़ा आया था ना कि बहुत एंजॉय किया हमने। और हमने तो सोच भी लिया कि हम दोबारा भी यहाँ पे आएंगे, मतलब इसी जगह पे नहीं। ये देखो ये एक्स्ट्रा जो है आप घुमाना चाहते हो थार गाड़ी वो और सब, तो आपको उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और ऊँट के ऊपर भी आपको इस मतलब जो है हमारा पूरा पैकेज ये कैमल का, फिर थार गाड़ी का और खाने पीने का वो सब जो है हमारे होटल वाले ही अरेंजमेंट करते हैं। और उसका जो है पैसा पर पर्सन 1100 या 1200 रुपये है, तो उसी के अंदर ही आपको ये सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। ही क्या फिर से ये ऊँट का नाम है जेठालाल।
और इसका नाम था बबीता। हम बबीता के ऊपर बैठे थे। पकड़ी नहीं नहीं की कर એવું કરે પડતા तो यहाँ पे आपने देखा एक मुंह से कुछ बजा रहा था अंकल, वो हमने शूट किया, काफी अच्छी तरह से बजा रहे थे। यहाँ पे छोटी छोटी जो है लड़की वो डांस कर रही थी, तो उसके साथ भी हमने अच्छे से डांस कर लिया। और ये देखो ये रेती कितनी मस्त चमक रही है ना, इतनी जैसे मैं सोने के अंदर ना चल रही हूँ, गोल्ड का कुछ लगाया हो। और ये देखो यहाँ पे उन लोगों की मस्ती कुछ अलग फ्लोर पे चल रही है सबकी। ये देखो ये जैनम है और वो सब मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे एक घंटा हमारा कहाँ चला गया ना, वही हमें पता ही नहीं चला। और काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे दोस्तों, हमने काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ से हमें जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था। वो ड्राइवर हमें बुला रहा था कि चलो अब टाइम ख़त्म हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया। कितनी बार उसने आवाज़ लगाई तब जाके हम जो है गाड़ी के पास गए और बहुत एंजॉय किया दोस्तों। तो हम फिर से रिटर्न आ गए हैं हमारे प्लेस पे, और ये हम आपको दिखा रहे हैं टेंट, टेंट के अंदर का जो कैसा रहता है और सब। वो लोग एक एक्स्ट्रा जो है गद्दा देते हैं आपको सोने के लिए, अगर आप दो से तीन लोग हो तो ये एक बेड है और मच्छरदानी और वो सब है, और अटैच ही उसके साथ पूरा बाथरूम है। और इस तरह से आपको ये टेंट मिलेगा और काफ़ी एंजॉय कर सकते हो आप। अगर नई नई शादी हुई, न्यू कपल हो, नई शादी हुई हो, तो आप यहाँ पे एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली आ सकते हो। बहुत एंजॉय किया था हमने तो, और हमने फिर से सोचा है कि हम दोबारा जाएंगे इस टाइप की जो है फिर से जर्नी में। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हमारा 12 से 1 बजा हुआ होगा, और यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि 9 से 10 बजे के आसपास हमने नाश्ता किया था, तो वो तो
उसका जो है वो हो गया, हजम भी हो गया हमारा खाना। और यहाँ पे जो है हम नाश्ता जो लेके आए थे वो अभी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं ये देखो मेरा पूरा, क्योंकि वो हेयर बैंड मैंने लगाई थी, मेरा पूरा सर जो है दुख रहा था तो मैंने निकाल के रख दी बाजू में और बस ऐसे ही खुले बाल छोड़ दिए और जो है भुतनी बन गई मैं थोड़ी देर के लिए। वो सब हंस रहे थे मुझे देख के। और यहाँ पे हम बस अभी जा रहे हैं गाड़ी में। और ये भैया ने देखा कि ये बेर है, लेकिन बेर नहीं था, कुछ और ही था। तो वो उन्होंने सोचा कि थोड़ा चलो खाते ही आके बेर कैसे लगते हैं, लेकिन वो बेर नहीं निकला, कुछ और ही निकला, मुझे अभी नाम नहीं याद है। और हम 3 से 4 या 3:30 के आसपास हम एक अच्छे से होटल के पास आए और यहाँ पे हमने जो है लंच किया अभी। और लंच करने के लिए बैठने वाले हैं अभी यहाँ पे, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था क्योंकि 100 किलोमीटर के आसपास हमने जो है ये होटल देखी। और बस अभी यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पे भूख सबको इतनी लगी थी ना कि जैसे ही पापड़ जो पहले आए तो वही स्टार्ट कर दिया, पापड़ से ही वेट नहीं कर किया था खाने का। और खाने में यहाँ पे हमने एक पनीर की सब्ज़ी मंगवाई थी, एक सेव और टमाटर की, और जो है चपातियाँ जो रहती है वो, और दाल और चावल और सलाद भी था।